आइए दोस्तों, एक खूबसूरत सा वीडियो आपके लिए। एक बहुत बड़ा नीलगाय, मेल नीलगाय, इसकी खूबसूरती दिखाता हूं मैं आपको, और इसके साथ जोड़े से एक और आ जाएगा, और जो दूसरा वाला जो आएगा, जो इसके पास आके वो इजीली यहां बैठ जाएगा, इसके आगे आके बैठ जाएगा। क्या लॉजिक है समझ नहीं आता। फिर भी जंगली जानवरों को दिखाना, उनके बारे में अध्ययन करना, उनके बारे में जानकारी जुटाना, और उन जो क्वारीज हैं मेरी, मतलब जो सोचता हूँ मैं, वो जो बातें कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो लॉजिक को जानने की कोशिश में करता हूँ, और उसके साथ साथ वीडियो को रिकॉर्डिंग करके आपके पास मैं अपलोड कर देता हूँ कि आप भी उसके ऊपर सोचें और गहन अध्ययन करें। अब दोस्तों, काफ़ी देर तक ये जो नीलगाय है, ये जो ताकतवर, ये ऐसे खड़ा रहेगा बिल्कुल शांत, और इसके पास में जैसे ही एक दूसरा नीलगाय आएगा, क्योंकि ये पूरे झुंड का मालिक जो जिसे बोलते हैं ना, वो है। और एक बार जब मैं पीछे से आवाज़ भी निकालूंगा जोर से, तो ये चौंकना होकर मेरी तरफ घूर के देखेगा। चलो मैं इंतज़ार करता हूँ दूसरे जो नीलगाय है उसका, इसके पार आने का, और फिर आके वो बैठने का। चलो ये खुद जाएगा दूसरे के पास, साइड में चलते हैं अपन लेके। ये देखो इसके पास, जबकि ये उसके बराबर नहीं है, ये थोड़ा छोटा है, लेकिन हाइट इसकी ज़्यादा है और ताकत उसमें ज़्यादा दिख रही है। अब उसके पास आएगा दोस्तों, अब मैं दोनों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं सोचता हूँ वो थोड़ा और आ गया है, और जब हम इनकी तुलना करें, रियली यार बहुत पावरफुल जानवर है, बहुत पावरफुल। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों कि प्लीज़ यार, चैनल पे पहली बार आए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करना। अब देखो कितने गौर से ये मेरी तरफ देख रहा है, इतना टकटकी लगाए हुए। अब वो दूसरा जो बड़ा वाला है वो इसके पास आता है और यहाँ घूमेगा, यहाँ गोल घूम के इसके साथ। ये देखो, अब यहाँ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, वापस ये घूम गया उसके पास, आगे जाके घूम के उसके आगे जाके ये बैठने की कोशिश करेगा। बैठने की कोशिश क्या, उसके आगे जाके बैठ जाएगा। अब क्यों बैठ जाएगा इसका पता नहीं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्योंकि ये देखो आराम से जाके वो बैठ जाता है। हाँ, अब ये जब एक या दो ही नीलगाय होते हैं, तो एक अगर बैठ जाता है तो दूसरा चारों तरफ उसकी निगरानी रखता है, आसपास घूमता रहता है और उसके देखभाल के लिए, क्योंकि ये जानवर, और यदि सारे बैठे तो आप कभी भी देख लेना कि सबका जो पिछवाड़ा है एक दूसरे के टच होगा, और मुंह है जो चारों तरफ होगा दोस्तों।